लेकिन सुने जी केपी मैंने कह रहा था कि न्यायाधीश आपके राजीनामा को लाश कर न्यायपालिका के सम्मान करे के चाहे संविधान के रक्षा के काम भेल है वहां से, संसद के बचावे के काम भेल है वहां से, नीमन काम के नीमन कहे के चाहे, नीमन काम के नीमन कहो, बेजाय काम के बेजाय कहो, हम सब ठीक के ठीक कही छी आ गलत के हम गलत कही छी। यही लेल आई फिर नया सरकार बनल वो हमारा सबके ताकत से, अपने नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर जी सब प्रधानमंत्री, इस सरकार में नेकपा माओवादी पार्टी वो सरकार में है, इस सरकार में नेकपा एकीकृत समाजवादी हमरो पार्टी सरकार में है, इस सरकार में जनता समाजवादी पार्टी उपेंद्र यादव के पार्टी से हो सरकार में है, इस सरकार में समर्थन करे वाला राष्ट्रीय जन मोर्चा मोहन विक्रम सिंह जी के पार्टी उनको ही सरकार में समर्थन है, तो पांच पार्टी के समर्थन में सरकार चल रहा, एहन सरकार में भेल पार्टी के कथी कहे चाहिए के पी ओली के पूछा सा दास कि माधव नेपाल के पार्टी की कहां है हैसियत, हैसियत कहां है, आइए सुनले हो विराटनगर में हमरे पार्टी के केंद्रीय नेता के मुख्यमंत्री में शपथ ग्रहण हो रहा है, विराटनगर में केपी ओली के मुख्यमंत्री के कार्य राजीनामा हो गए, सरकार से आउट, आप केपी ओली कोनो सरकार में ना है, आप पहले छह गो प्रदेश में रहे सरकार में, छह गो प्रदेश के सरकार में रहे, केपीए वाले के बुद्धि के चलते छह गो सरकार से आउट हो गए, एक को जगह में ना, केंद्रीय सरकार में ना है, प्रदेश सरकार में ना रहना है, एक अंतिम रहे, पहले बागमती प्रदेश काठमांडू में रहे 5 दिन पहले वह जगह से हमरे पार्टी के मुख्यमंत्री बना है राजेंद्र पांडे, नेपाल कांग्रेस पार्टी के समाजवादी कहां है, तो बागमती के मुख्यमंत्री के रूप में झंडा फहरा रहा है, नेपाल कांग्रेस पार्टी के समाजवादी कहां है, तो विराटनगर धरान में जो है राजेंद्र राय के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के रूप में झंडा फहरा रहा है, नेकपा एकीकृत समाजवादी कहां है, सुदूर पश्चिम में 7 नंबर प्रदेश में सबसे बड़का पार्टी के रूप में 1 नंबर पार्टी के रूप में कोई है, हमारा सबके पार्टी है जहां धनगढ़ी में पहुंच रही हजारों कार्यकर्ता के साथ।